tea. A cup of reed. Parkhurst, 68. A cup of tea. Is your teacup trying to tell you something? इंडिया का टी मार्केट लिटरली 23 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है और इंडिया का पर कैपिटा टी कंजम्पशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर डेटा की माने तो हर एक इंडियन 3.5 कप चाय रेगुलरली पीता है और यही चाय आज की डेट में एंजाइटी, इंसोम्निया और डायबिटीज का बहुत बड़ा इंडिया में कारण बन चुकी है। और इस वीडियो में अपन समझेंगे टी लीव्स की हिस्ट्री क्या है, चाय इंडिया कैसे आई और कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को चाय का गुलाम बनाया। तरह तरह के लोग, तरह तरह के मत, लेकिन सुपर डस्ट पे सब हैं सहमत। इसे लाखों पीकर महसूस करे सुपर 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 लिखकर आहा सुपर स्वाद भी है सुपर किफायत। देखो करीबन 6000 साल पहले चाइना में टी लीव्स डिस्कवर हुई थी और टी लीव्स को डिस्कवरी को लेके दो स्टोरी ब्रॉडली बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहली स्टोरी ये है कि एक शेनोंग नाम का ट्रांसपेरेंट गॉड था जो जंगल में भटक रहा था। शेनोंग अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था अलग अलग कच्ची पत्तियों को चबाकर। वो देखना चाहता था कच्ची पत्तियों के उसकी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। इसी टेस्ट के चक्कर में शेनोंग ने 72 कच्ची पत्तियां खा ली थी, उनमें से कुछ जहरीली थी और उन जहरीली पत्तियों के कारण शेनोंग की बॉडी मरने वाली हालत में चली गई। तभी शेनोंग 73वीं पत्ती खाता जिसको खाकर शेनोंग की बॉडी से जहर उतरने लगता और वापस ठीक हो जाता है। और यही 73वीं पत्ती असल में टी लीव जो होती है जिसको शेनोंग डिस्कवर करता है। ये तो हो गई पहली स्टोरी, अब दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। शेनोंग नाम का चाइना में एम्परर था और उसने एक दिन उबला पानी मांगा अपने बटलर से पीने के लिए। उसका बटलर एक पेड़ के नीचे पानी गर्म कर ही रहा था जब उबलती हुई केटली के अंदर दो टी लीव्स गिर जाती है। बटलर की टी लीव्स पे नजर नहीं जाती और ये टी लीव्स वाला पानी शेनोंग एम्परर पी लेता है और एक्सीडेंटली टी लीव्स वाली चाय को पीने के बाद एम्परर शेनोंग टी लीव्स को डिस्कवर करते हैं। अब ये तो दो कहानियां हो गई, पता नहीं क्यों मेरे को पहली वाली कहानी काफी ज्यादा सटीक लगती है। इसके पीछे मेरे कुछ कारण है। पहला, टी लीव्स को उबालने का सिस्टम मार्केट में काफी ज्यादा लेट आया। काफी ज्यादा लोग टी लीव्स को उबालने से पहले उन्हें कच्चा चबा जाते थे क्योंकि ऐसा मानना था टी लीव्स के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और टी लीव्स को ग्राइंड करके पाउडर बनाने का सिस्टम मार्केट में काफी ज्यादा लेट इंट्रोड्यूस किया गया था। ये तो दो कहानियां हो गई, जिसको जो माननी है वो माने, पर मेन ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि टी लीव्स को एज अ मेडिसिनल पर्पस से इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में। आज की डेट में चाय बनाने के लिए टी लीव्स दूध और शक्कर मिला दी जाती है जिस कारण सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज चाय की खत्म हो जाती है। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। पहले चाय को प्रिपेयर करने के लिए पानी के अंदर टी लीव्स, जिंजर, क्लोव, टर्मरिक और लेमन काट के डाल दिए जाते थे। पहले ऐसे माना जाता था टी लीव्स को अलग अलग हर्ब्स के साथ कंबाइन करने के कारण इनडाइजेशन, बैड एक्ने और आई साइट को क्योर किया जा सकता है। विद टाइम बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी डाइट में टी लीव्स यूज करने लगे जैसे मेडिटेशन के कंसंट्रेशन को एनहांस किया जा सके और तेजी से पूरी दुनिया में टी लीव्स फैल गई और चाय को प्रिपेयर करने के दुनिया में अलग अलग रिचुअल डेवलप हुए। अब देखो चाय तो पूरी दुनिया में फैली पर एक चीज कॉमन थी, चाइना की टी लीव्स के ऊपर मोनोपोली। और इस मोनोपोली के कारण चाइनीज एम्पायर ने अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया। एक टाइम तो ऐसा था कि चाइना की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी चाय बन चुकी थी। धीरे धीरे 16th सेंचुरी का समय आता है, फिर एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। पहले कुछ डस्ट ट्रेडर्स चाइना से टी लीव्स यूरोप ले गए और तेजी से पूरे यूरोप के मार्केट में चाय का चस्का फैलने लगा। और इन्हीं डस्ट ट्रेडर्स की देखा देखी में दूसरी कंट्रीज के भी ट्रेडर्स चाइना से टी लीव्स ट्रेड करने लगे और उन्हीं ट्रेडर्स में से एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी कंट्रीज के ट्रेडर्स थे वो चाइनीज एम्पायर को सिल्वर कॉइन्स में पेमेंट देती टी लीव्स को खरीदने के लिए। एक टाइम तो ऐसा हाल हो गया था कि टी लीव्स का मार्केट में प्राइस कॉफी से 10 गुना ज्यादा था और टी लीव्स की इन्फ्लेटेड प्राइस EIC को खटकने लगी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चिंग डायनेस्टी के एम्पायर के साथ एक बार्टर डील साइन की। ये डील ऐसी थी, तुम मुझे चाय दो मैं तुम्हें अफीम दूंगा। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, ओपियम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडियन से बहुत सस्ते में तो ओपियम फार्म करवा ही रही थी, साथ ही साथ चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स कनेक्टेड थे तो EIC के लिए ओपियम को टी लीव्स के लिए ट्रेड करना बेस्ट डील बन गया था। 19th सेंचुरी में EIC ने काफी ज्यादा ओपियम चाइना के साथ ट्रेड किया था। ओपियम का हाल चाइना में इतना बुरा हो गया था कि चाइना की सारी पॉपुलेशन ओपियम की आदी बन चुकी थी। पूरा चाइना ओपियम का एडिक्ट बन गया था और चिंग डायनेस्टी के एम्परर को एक चीज समझ आने लगी थी। तो 1835 में एक ब्रिटिश शिप ओपियम से भरा हुआ चाइनीज पोर्ट पर लैंड करता है जब चिंग डायनेस्टी का एम्परर पूरे के पूरे शिप को जला देता है। और इस शिप को जलाने के बाद चाइना में ओपियम इंपोर्ट बैन कर दिया जाता है। जैसे चाइना में ओपियम बैन होता है EIC फोर्स्ड हो जाती सिल्वर कॉइन्स के बदले टी लीव्स खरीदने के लिए जो उन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से टी लीव्स स्मगल करना शुरू कर देती है, इसके बदले ओपियम चाइना में स्मगल करती है। इस स्मगलिंग का सिलसिला कुछ साल तक चलता है, स्मगलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुश्किल हो जाती है। फिर आता है साल 1839।
चाइनीज एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर छिड़ जाती है और ये वॉर EIC इसलिए छेड़ता है जैसे चाइना में लीगली ओपियम बेचा जा सके और इस वॉर को कहते थे फर्स्ट ओपियम वॉर। 1839 में फर्स्ट ओपियम वॉर स्टार्ट होती है और 3 साल के अंदर ब्रिटिश एम्पायर सारे चाइना के पोर्ट्स पे कब्जा जमा लेता है। चाइनीज एम्पायर घुटने टेक देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी लीगली ओपियम के बदले टी लीव्स को ट्रेड करना चाइना में शुरू कर देती है। उल्टा ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपने टर्म्स पे चाइना से टी लीव्स इम्पोर्ट करवाता है पर उनको एक डर था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डर था कि ऐसी सिचुएशन वापस अराइज हो सकती है, तो इन लोगों ने बैकअप प्लान क्रिएट करना शुरू कर दिया। चाइना के ऊपर अपनी टी लीव्स की डिपेंडेंसी को हटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्चून को चाइना भेजा। रॉबर्ट फॉर्चून हर्बलिस्ट था और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना इसलिए भेजा जैसे वो टी लीव्स के बारे में पढ़ सके, पर असल में रॉबर्ट का काम था टी प्लांट के सीड्स को इंडिया स्मगल करके लाना, जिसमें रॉबर्ट सक्सेसफुल हो गया था। जो भी टी ट्रीज के सीड को रॉबर्ट इंडिया में स्मगल करता है EIC उसके ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू कर देती है। विद टाइम टी लीव्स को कैसे कल्टीवेट करते हैं EIC को उसकी पूरी नॉलेज आ गई थी और उन्होंने आसाम में पहले टी गार्डन खोला था इंडिया का। सिर्फ आसाम के पहले टी गार्डन ने चाइना की वर्ल्ड मोनोपोली टी लीव्स के ऊपर से ब्रेक कर दी थी और अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में स्लेवरी को यूज करके टी लीव्स उगा रही थी, उनका पाउडर बना के पूरे यूरोप में बेच रही थी और इस टी लीव के प्रोडक्शन से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत पैसा छापा। यूरोप के साथ साथ इंडिया के रॉयल और अपर क्लास के बीच में भी चाय बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को टी लीव्स का प्रोडक्शन तो बहुत सस्ता पड़ रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी जानती थी इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा और अनटैप्ड है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान बनाया कि कैसे चाय को नॉर्मल लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो इनिशियली इंडिया के मार्केट में टी स्टॉल्स खोले गए जहां से लोग सस्ते में चाय खरीद सके। रेलवे और सिनेमा घरों के बाहर टी स्टॉल्स लगाए गए जिस कारण अपर और मिडिल क्लास को चाय से रूबरू किया जा सके। अब देखो चाय तो एडिक्टिव थी, साथ ही साथ चाय को उस टाइम पे यूरोपियन कल्चर से एसोसिएट किया जाता था। उस टाइम पे ऐसी मार्केटिंग की गई थी कि जो लोग चाय पीते वो काफी सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न है और इसी फॉल्स प्राउड को एंजॉय करने के लिए काफी ज्यादा इंडियंस चाय को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और हम इंडियंस अपने लोगों के ऊपर की गई स्लेवरी की चाय पत्ती के लिए ब्रिटिशर्स को पैसे देने लगे। विद टाइम मिल्क और शुगर भी चाय में इंट्रोड्यूस कर दी गई, पूरा का पूरा देश शुगर और कैफीन का एडिक्ट बन गया। अब ये तो थी इंडिया की टी स्टोरी। अगर तुम लोग देखना चाहते हो कैसे आज की चाय हमारी तबियत को खराब और बर्बाद कर रही है तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, अपन इस पे वीडियो बना देंगे। अगर तुम लोगों के पास कोई अलग वीडियो का आइडिया तो मेरे को बता देना इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम का लिंक भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।